नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे इस चैनल पर हृदय पूर्वक स्वागत है। और आपसे मैं आज बच्चों के लिए लंच बॉक्स का रेसिपी शेयर करने जा रही हूं, और वो बनता है टमाटरों से। तो मैंने यहां पे 4 टमाटर लिए हैं, आधा चम्मच राई, आधा चम्मच जीरा, 1 बड़ा चम्मच मूंगफली और आधा चम्मच उड़द का दाल, आधा चम्मच चना का दाल, 2 सूखी मिर्ची लाल वाली, थोड़ा कड़ी पत्ता और 5-6 तक हरी मिर्चियाँ मैंने इस तरह से काट के रख लिया है। और ये लंच बॉक्स में बहुत ही जल्दी बन जाता है, बिल्कुल 5 मिनट में। तो बच्चों के लिए डेली का नाश्ता या तो लंच बॉक्स प्रिपेयर करने के लिए बहुत ही मुश्किल हो जाता है ना, तो एक बार इस तरह से आप बना के तो देखिए, आपको ज़रूर पसंद आएगा और आपके बच्चे भी ना बहुत पसंद से खाएंगे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक पैन ले लिया है, उसमें 2 बड़े चम्मच तेल डाल दिया है। और तेल गर्म होने के बाद जो भी मैंने लिया था, आधा चम्मच राई, आधा चम्मच जीरा, 1 बड़ा चम्मच मूंगफली के दाने, आधा चम्मच उड़द का दाल, आधा चम्मच चना का दाल, इन सबको अच्छे से तेल में डालने के बाद तल लेना चाहिए। और थोड़ा तल मतलब वो क्रंचीनेस हमें पता चल जाता है होने के बाद, इसमें जाएगा लाल मिर्च, सूखा मिर्च बोलते हैं ना, तो आप स्वाद के अनुसार खा सकते हैं जितना भी आप तीखा खाते हैं, और हरी मिर्चियाँ और कड़ी पत्ता, ये भी अच्छे से तेल में तल लेंगे, क्योंकि जब तेल में तलेंगे ना बहुत इनका स्वाद बढ़ता है। और मैंने यहाँ पे 2 चम्मच स्वाद के अनुसार नमक डाल दिया है, और आप जितना भी नमक खाते हैं अपने हिसाब से स्वाद के अनुसार ही आप भी नमक डाल दीजिए। इसके बाद जो मैंने 4 टमाटर लिए थे ना, उसको मैंने मिक्सी में डालकर इस तरह से अच्छी तरीके से प्यूरी बना लिया है। और अब इन टमाटरों की प्यूरी को ना हम इस तड़के में डाल देंगे। तो ये जो टमाटर की प्यूरी है ना, इसमें डालने के बाद बहुत ही अच्छा स्वाद बनता है, और थोड़ा खट्टापन अच्छा लगता है ना। तो इसको हमें तेल में अच्छी तरह से फ्राई करेंगे, जब तक कि हमारा तेल बाहर निकल के आता है तब तक इसे हम फ्राई करेंगे धीमे आंच में, थोड़ा सिम में फ्राई करेंगे, अच्छे से भुन जाता है। देखिए यहाँ पे पूरा इसका पानी चला गया है और तेल बिल्कुल बाहर आ गया है। अब यहाँ पे मैंने एक कटोरे भर के मतलब बड़ा बाउल लिया है, उससे भर के चावल दिया है, और गर्मा गर्म मैंने यहाँ पे चावल इस तड़के में डाल दिया है, यानी कि टमाटो की प्यूरी में। तो ये है हमारा टमाटो वाला राइस। तो आपको नहीं पता है तो आप ज़रूर ही बना के, बच्चों के लंच के लिए बहुत ही अच्छा लगता है ये, और बच्चे भी बहुत मज़े लेके खाते हैं, और मैं गारंटी देती हूँ कि आपके बच्चे ना बिल्कुल डिब्बा खाली करके लाएंगे स्कूल से। तो हमें सुबह सुबह का झंझट भी ख़त्म हो जाता है, 5 मिनट में हमारा इस तरह से अगर चावल तैयार है तो हम इस झटपट बना के पैक कर सकते हैं लंच बॉक्स। और देखिए यहाँ पे मुंह में तो पानी आ रही है, क्योंकि इतना स्वादिष्ट है ये टमाटर राइस, बहुत ही अच्छा रहता है। और ये साउथ इंडिया में बहुत ही बढ़िया से बनाते हैं इसको, बहुत ही इच्छा से भी खाते हैं, बहुत स्वाद लेकर खाते हैं, अच्छा लगता है टमाटर का स्वाद खट्टा खट्टा, और कोई भी टमाटर मीठा मीठा भी रहता है, कोई खट्टा रहता है, तो अच्छा लगता है इस तरह से खाने में। तो मैं यहाँ पे लंच बॉक्स प्रिपेयर कर रही हूँ और बॉक्स में भर के पैक करने जा रही हूँ। तो आप भी इस तरह से लंच बॉक्स बच्चों के लिए ज़रूर बनाइए, और कोई भी आपके हस्बैंड को भी बना के पैक करके दे सके, और बिल्कुल आपका डिब्बा तो ज़रूर ही खाली आएगा। आप डेली के झंझट से परेशान हो गए होंगे ना, कि बच्चे ऐसे ही वापस डिब्बा ला देते हैं कभी कभी, तो झंझट भी आपका ख़त्म हो जाएगा। इस बार इस तरह से आप पैक करके तो देखिए, आपको ज़रूर ही खाली डिब्बा मिलेगा। तो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक एंड शेयर कीजिए दोस्तों, और सब्सक्राइब करिए मेरे इस चैनल को। और देखिए यहाँ पे कितना यम्मी टमाटो राइस बन चुका है, और आपका मन तो कर रहा होगा झटपट, टमाटर भी अभी सस्ता ही मिल रहा है, तो झटपट लाइए और बनाइए लंच बॉक्स के लिए। तो टमाटर वाला नया रेसिपी आपको ज़रूर ही पसंद आया होगा, मुझे तो लगता है आपको पसंद आया है, क्योंकि ये तो बिल्कुल ही आपके लिए नया होगा, क्योंकि नॉर्थ इंडिया में तो इस तरह चावल की रेसिपीज़ बहुत ही कम मिलते हैं ना, इसलिए साउथ इंडिया में चावल बहुत खाते हैं, तो चावल के रेसिपीज़ भी बहुत ही आपको मिलने वाले हैं। तो इसलिए आप मेरा चैनल में ज़रूर सब्सक्राइब करिए और मुझे आगे बढ़ाइए। तो मैंने तो बॉक्स पैक कर दिया है, अब आपकी बारी है, आप भी इस तरह से पैक करके बच्चों को ज़रूर भेजिए, बहुत पसंद आने वाला चीज़ है। तो ये तो मैंने पैक कर दिया है, हम मिलेंगे अगले एक नए रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अलविदा दोस्तों।